हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल वेब। मैं रोहित, मेरे साथ दीपू। हेलो एवरीवन, कैसे हो? हम आपके दोस्त, आपके होस्ट इस वीडियो के और आगे आने वाले कई वीडियोस के। आपको पता था हम आए थे न्यू दिल्ली से कोटा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे गए थे हम जगमंदिर पैलेस और किशोर सागर लेक। हमने आपको वो दिखाया था। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। फिलहाल आज की ये जो वीडियो है, आपको पता तो लगी कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं सेवन वंडर्स पार्क। बिल्कुल ठीक, कोटा ने दुनिया के 7 वंडरों को यहाँ ला के रख दिया है। बिल्कुल सही, आपने जितना पढ़ा होगा, जितना यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, बिल्कुल सच है। हम भी आज वहीं आए हैं आपको दिखाने के लिए कि सेवन वंडर्स पार्क में है क्या एक्चुअल में। थोड़ी स्टोरी यही है कि जो दुनिया के 7 वंडर्स हैं वो एग्जैक्ट यहाँ पे बनाए गए हैं, उनके रेप्लिकेट्स। तो हम चलेंगे अंदर। इसकी एक टिकट है, वो मैं टिकट काउंटर पे जाके बताऊंगा कि क्या टिकट प्राइस वगैरह, वो पता करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्किंग है, देखिए मेरे पीछे पूरी पार्किंग है इतनी बड़ी। हमने अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी, ये हमारी कार, ये हमारी कार है। और यहाँ पे पार्किंग का प्राइस कैसे है? 4-व्हीलर का 10 रुपीज, 2-व्हीलर का 5 रुपए, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है। तो नीड नॉट वरी, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं तो ऑटो बाहर है, और अपनी गाड़ी से आ रहे हैं 10 रुपए पार्किंग दीजिए, एक गाड़ी लगाइए, नो इश्यूज। अब फिलहाल चलते हैं टिकट काउंटर पे और आपको मिलेंगे टिकट लेने के बाद। तो ये है हमारा सेवन वंडर्स पार्क का टिकट घर। आपको टाइम बता देता हूँ, बुधवार के दिन 11 से रात को 10 बजे तक है, सप्ताह के शेष दिन बाकी हो के बाकी दिन 2:30 से 10 है, मतलब ये दो टाइमिंग्स है। साथ में जो प्राइस है इसका वो है पर पर्सन 10 रुपये, बच्चे के 5 रुपये, और अगर स्कूल ग्रुप आ रहा है तो उसके भी 5 रुपये पर पर्सन है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो हमने अपनी टिकट ले ली है, दिव्यू यहाँ है, ये हमारी टिकट है। तो अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाएंगे सेवन वंडर्स पार्क अंदर से। हमने एंट्री ले ली थी सेवन वंडर्स पार्क ऑफ कोटा में, और इसी के साथ हमारा पहला वंडर जो कोटा में बना हुआ है, दिस इज ये, इसका नाम है कोलिसियम। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये रहा इन्फॉर्मेशन के लिए, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसे। लास्ट वाली लाइन आपको बताता हूँ, द मॉडल ऑफ कोलिसियम बिल्ट हियर इज एन एलिप्स अबाउट 15 मीटर लेंथ अबाउट 12 मीटर विड्थ। और पहली लाइन है, द कोलिसियम इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ द रोम इटली। रोम इटली के सेंटर में बना हुआ ये कोलिसियम है। यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा है, आप देख रहे हैं इसको, इतना अल्टीमेट और ओरिजिनल के जैसा ही बनाया है जैसा ओरिजिनल रोम इटली में कोलिसियम बना हुआ है। तो इसी के साथ चलते हैं अब सेकंड वंडर ऑफ द कोटा में। हम ये कहेंगे कि कोटा के 7 वंडर्स हैं ये, तो हम चलते हैं सेकेंड वंडर ऑफ कोटा में। इसी के साथ अब हम आ गए हैं सेकंड वंडर ऑफ कोटा, जो कोटा में सेकंड वंडर बना हुआ है, और मैं दिखाता हूँ वो क्या है। दिस इज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। बिल्कुल ठीक आपने देखा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, सेवन वंडर्स ऑफ द एशियंट वर्ल्ड। इजिप्ट में आज भी है ये और बहुत पुराना है। द मॉडल ऑफ ग्रेट पिरामिड बिल्ट हेयर इज हैविंग हाइट अबाउट 7.5 मीटर्स। और ये देखिए ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे मॉडल। अब चलते हैं थर्ड वंडर पे, और थर्ड वंडर इतना अच्छा है आपको मजा आ जाएगा देख के। मैं आपको हिंट देता हूँ, नहीं ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में है, और दीपू हमारे साथ पीछे है। और अब आप गेस कीजिए, कमेंट सेक्शन लिख के बताइए कौन सा है थर्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो यहाँ कोटा में बना हुआ है, तो आपको वहां पहुंचे हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि कोटा के इस पार्क में थर्ड वंडर कौन सा है जो कि इंडिया में है, जो ओरिजिनल वंडर इंडिया में है, एंड दैट इज द ताजमहल। बिल्कुल ठीक आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे है ताजमहल, बहुत ही प्यारा है, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ है। हम सब इंडियन जानते होंगे ताजमहल के बारे में, आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। ये अपने आप में एक अल्टीमेट चीज़ है, इससे बढ़िया चीज़ नहीं है दुनिया में मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग। बहुत प्यारा मोन्यूमेंट है ये ताजमहल, जो शाहजहां ने बनवाया था, और कोटा ने यहाँ बना के उसे कर दिया है डबल ट्रिपल अच्छा। इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं अल्टीमेट है ये ताजमहल, मज़ा आ गया यहाँ पे इस ताजमहल को देख के। तो इसी के साथ चलते हैं अपने फोर्थ वंडर ऑफ कोटा में, मिलते हैं आपको आगे। थर्ड वंडर के बाद हम आ गए हैं फोर्थ वंडर ऑफ कोटा में, और ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मैं आपको और बेटर तरीके से दिखाता हूँ, पहले इसके बारे में पढ़ाता हूँ आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में।
मॉडल के बारे में नीचे लिखा हुआ है कि 5 मीटर की हाइट है इसकी, और ऊपर सारी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कहाँ पर है, दिस इज इन अमेरिका, पानी के बीच में है, और ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ का। कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल डिटो कॉपी बनाया हुआ है कोटा ने, इतना अच्छा कि पता ही नहीं लग रहा कि ओरिजिनल और नकली में डिफरेंस, सिर्फ पानी का। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट वंडर पे, और वो बहुत अल्टीमेट वंडर है, मैं बताऊंगा उसके पास पहुंच के आपको कि वो क्या है और कहाँ है। कोटा के 7 वंडर्स पार्क के 5th वंडर पे हम आ गए हैं, एंड दैट इज लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। आपने सुना होगा, और ये बहुत लंबा है, मैं इसको आपको सामने से दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये यूरोप में है, पिज़ा एक सिटी का नाम है यूरोप के, और ये है वो, आपने बहुत सारी वीडियोस फोटोज में देखा होगा, बहुत लंबा है, और ये टिल्ट है लेफ्ट की साइड, दिस इज़ नॉट 90 डिग्रीज। इसकी डिग्री यहाँ लिखी नहीं हुई कितनी है, अगर आप सबको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और ये बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे लाइटों के साथ, अल्टीमेट 5th वंडर इज़ वेरी अल्टीमेट, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा है, दिस इज़ अमेजिंग। चलते हैं अपने 6th वंडर की तरफ, डेट इज़ समवेयर देयर देयर एंड देयर। अब हम आ गए हैं 6th वंडर ऑफ कोटा गार्डन, जिसमें 6th वंडर क्या है, मतलब मैं आप सोचिए मैं ऊपर देख रहा हूँ तो क्या होगा, दिस इज दी आईफल टावर। बिल्कुल ठीक है, आपने सही समझा, दिस इज दी आईफल टावर, बहुत बड़ा आईफल टावर है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, द आईफल टावर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1887 टू 1889 इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ पेरिस, पेरिस में है ये, और ये 30 मीटर लंबा है यहाँ पे कोटा में जो बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, अल्टीमेट बना रखा है, लाइटें लगा रखी हैं, और अमेजिंग, कमाल कर दिया एक कोटा ने, हेड्स ऑफ। चलते हैं अपने 7th वंडर लास्ट वंडर की तरफ, जो कि वहाँ पर है, और फिर आपसे करेंगे कुछ बातें। तो इसी के साथ पूरी वॉक करते हुए 1st वंडर से लेके हम आ गए हैं 7th वंडर के पास, और 7th वंडर क्या है, क्राइस्ट द रिडीमर। मुझे लगता है आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे बना हुआ है, ये रहा, अगर आपको दिख रहा होगा, बाकी मैं आगे से दोबारा दिखाता हूँ इसे, ये है क्राइस्ट द रिडीमर, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, और ये बना हुआ है ऊपर बहुत हाइट पर, एक्चुअल में भी ये पहाड़ पे है, इसलिए इसको सेम कंसेप्ट पे बनाया गया है, और बहुत प्यारा लग रहा है ये भी यहाँ से। वीडियो में थोड़ा सा ऊपर येलो लाइट डल रही है, लेकिन ये वाइट है प्रॉपर स्टैचू क्राइस्ट द रिडीमर का, बहुत ही अल्टीमेट। और इसी के साथ हमारे 7 वंडर्स ऑफ द कोटा कंप्लीट होते हैं, बहुत ही अच्छा पार्क बना रखा है, अल्टीमेट पार्क बना रखा है, 7 वंडर्स बहुत अच्छे बना रखे हैं, एग्जैक्ट रेप्लीकेट कॉपीज बना रखी हैं, और बहुत क्वालिटी का बहुत अच्छा है पार्क, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। आप यहाँ पे वॉक के लिए आ सकते हैं रूटीन टाइम में भी, अगर आप यहाँ पर हैं, और अगर वेदर अच्छा है तो आप ऑब्वियसली यहाँ सिटिंग कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको, अल्टीमेट पार्क है यहाँ 7 वंडर्स पार्क ऑफ कोटा में। कैंटीन भी है, मतलब अगर शाम हो रही है और आप यहाँ घूम रहे हैं तो आपको भूख लगी है तो नीड नॉट वरी, आप यहाँ पे आराम से कुछ खा सकते हैं। ये एकदम मुंबई की चौपाटी जैसा फील दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खाने पीने को बहुत कुछ है, हमने अभी देखा था, तो आप यहाँ आराम से खा पी सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो का एक हिंट दिया है, अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो में कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए, आपको पता लग ही जाए। अब मैं आपको बताता हूँ राजस्थान की पहली डबल डेकर डीजे पार्टी बोट, ओनली 250 पर पर्सन। यस, बिल्कुल ठीक सुना आपने, राजस्थान की पहली डबल डेकर डीजे पार्टी बोट है, जो है कोटा 7 वंडर्स पार्क के अंदर, तो आप यहाँ आ सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अब बोट। अगर आपने हमारी पहली वीडियो कोटा की जो जगमंदिर पैलेस और किशोर सागर लेक की थी, तो उसमें बोटिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि वहाँ 3 टाइप्स की बोट थी, नॉर्मल बोट, स्पीड बोट, और लास्ट में थी डबल डेकर डीजे पार्टी बोट। वो डीजे पार्टी बोट यहाँ पर लगी हुई है इस टाइम पे, हम हैं 7 वंडर्स पार्क ऑफ कोटा में, और ये इसका टाइम था 8 से 11 का, और एक डीजे पार्टी बोट यहाँ लगी हुई है जिसकी फीस मैंने आपको बताई थी 250 रुपये पर पर्सन। और मैं आपको बोट दिखाता हूँ, ये रही वो बोट, हम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि हमें टिकट लेनी होगी एंट्री के लिए, चल झूठा। तो आप यहाँ से देखिएगा बोट, बहुत प्यारी लग रही है, लाइट्स लगी हुई हैं, गाने चल रहे हैं, मतलब अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है तो आप कोटा आ सकते हैं इसके लिए, और 250 रुपये पर पर्सन सिर्फ, 40 मिनट की राइड है किशोर सागर लेक में, बहुत बढ़िया। मैं आपको इस बोट को थोड़ा और पास से दिखाता हूँ, ये इसका पाथ है जहाँ से हमें जाना है इस बोट तक, और बहुत ही प्यारा ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने इस बोट तक जाने का, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। ये देखिए, पहुंचते हैं अपने बोट पे और आपको दिखाते हैं कि बोट कैसी है पास से,
जहाँ तक हम जा पाएंगे एंट्री टिकट से पहले पहले तक, जहाँ तक एंट्री टिकट चेक होती है, इसी के साइड में देखिए व्यू कितना अच्छा है, अल्टीमेट। पूरा किशोर सागर लेक दिख रहा है यहाँ से, बढ़िया मजा आ रहा है। और ये बोट का टाइम हो गया है और ये बोट निकल रही है यहाँ से, इट्स 7:30 अराउंड। बोट को थोड़ा आगे किया है मेरे ख्याल से, इस बोट का टाइम हो गया तो ये बोट जा रही है आगे की तरफ। बहुत ही अच्छी लग रही है ये बोट, ये देखिए हम इसमें भी नहीं जा रहे हैं, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, हमें यहाँ से बहुत अच्छी लग रही है। 250 रुपये पर पर्सन है तो एंजॉय जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, साइन ऑफ फ्रॉम 7 Wonders ऑफ दिव इज देयर, दिव आगे धरती शी इज बैक की वीडियो खत्म हो रही है तो मैं वीडियो में आऊंगी। बिल्कुल बनता है, दिव ने फुल सपोर्ट किया तो करते हैं साइन ऑफ फ्रॉम 7 Wonders ऑफ कोटा, और जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, नई जगह के साथ। बने रहिएगा वीडियोस के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। भर दीजिए शेयर से सब्सक्राइब से ताकि हम ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। फिलहाल यहाँ से टाटा बाय बाय।